2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, कन्याकुमारी से शुरू की पदयात्रा, 5 महीने में तय करेंगे 3,570 किलोमीटर का सफर। बीजेपी ने बताया परिवार बचाओ अभियान। भारत जोड़ो यात्रा से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का केंद्र पर हमला, कहा देश में भय का माहौल, युवाओं को गुमराह किया जा रहा, हमारे नेताओं ने देश की एकता के लिए कुर्बानी दी है। शरद पवार से मुलाकात के बाद बोले नीतीश कुमार, देश की भलाई के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत, बीजेपी का पलटवार, अब सर्वाधिक गठबंधन देश को नामंजूर। स्कूलों की कायाकल्प के लिए पीएम श्री योजना को कैबिनेट की मंजूरी, एक ब्लॉक में बनेंगे 2 मॉडल स्कूल, रेलवे की जमीन की लीज भी अब 5 की जगह 35 साल के लिए मिलेगी। सिसोदिया के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ जांच की तलवार, स्टाम्प शुल्क में चोरी की शिकायत पर उपराज्यपाल ने उठाए कदम, मुख्य सचिव को दिया जांच का जिम्मा। झारखंड से लेकर बिहार तक नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे नाकाम, ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत सीआरपीएफ ने बूढ़ा पहाड़ और चकरबंदा के जंगलों से भारी मात्रा में हथियार किए जब्त। देशभर में 100 ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड, गहलोत सरकार की मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर पहुंची टीमें, जयपुर और कोटपुतले में 37 ठिकानों पर कार्रवाई जारी, यादव बोले जांच में करेंगे सहयोग। दिल्ली में केजरीवाल और एलजी की जंग में नोटिस फाड़ सियासत, उपराज्यपाल के खारूडी नोटिस को आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। अमरावती में फिर निर्दलीय सांसद नवनीत राणा का हंगामा, थाने में पुलिस वाले को लगाई फटकार, पुलिस पर लगाया फोन रिकॉर्डिंग का संगीन आरोप। भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम हेमंत के पाक वाले बयान से भड़के भूपेश बघेल, का अब इस पर जहर उगलने का काम कर रहे, पहले कांग्रेस में थे अब बीजेपी में गए हैं, वे जहर उगल रहे हैं, उन्होंने जरूर आरएसएस कार्यालय का दौरा किया होगा और अखंड भारत का नक्शा भी देखा होगा। तेजस्वी यादव ने किया औचक निरीक्षण, देर रात पीएचसीएम अस्पताल गए तेजस्वी यादव, अस्पताल में बद इंतजामी पर लगाई डॉक्टर्स की क्लास। यूपी में सूखे के हालात का सर्वेक्षण कराएगी सरकार, यूपी सरकार ने दलहन तिलहन और सब्जी के बीज किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, इसके साथ ही सिंचाई विभाग को कहा कि वो सिंचाई के लिए नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करे। दिल्ली में इस बार बिना पटाखों के मनेगी दिवाली, दिल्ली में पटाखे बेचने और रखने पर लगाया बैन, 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर लगाया बैन, प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ट्वीट कर दी जानकारी। बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट, बेंगलुरु में अगले 2-3 दिन भारी बारिश का अनुमान, लगातार बारिश से बेंगलुरु शहर में जलभराव की स्थिति, भारी बारिश के कारण बेंगलुरु ईस्ट में स्कूल बंद। कर्नाटक के गडक में भारी बारिश जिससे नदी नाले सब उफान पर, सड़कों पर सैलाब आ गया, इलाकों में पानी भरने से घर पानी में डूब गए, गाड़ियां भी पूरी तरीके से पानी में जलमग्न, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। बेंगलुरु का आईटी हब कहा जाने वाला व्हाइट फील्ड इलाका भी पूरी तरह जलमग्न, सिलिकॉन सिटी का हर इलाका पानी में डूबा नजर आ रहा है, लोग ट्रैक्टर पर ऑफिस जाने को मजबूर। देश के पूर्वी हिस्से बिहार में भी बारिश की वजह से जगह जगह बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है, सीतामढ़ी से लेकर कैमूर तक कई इलाके जलमग्न, सीतामढ़ी में बारिश की वजह से हरदा नदी उफान पर और गांव के बाद के हालात बन गए। बिहार के सिवान में पुलिस टीम पर हमला, बदमाशों ने की पुलिस टीम पर फायरिंग, हमले में एक सिपाही की मौत, अंधाधुंध फायरिंग में एक शख्स भी घायल, सिवान के सिसवन में हुई ये वारदात। फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज से पहले उज्जैन में मां काल के दर्शन के लिए पहुंचे थे रणबीर और रालिया, फिल्म के विरोध में हिंदू संगठन ने कर दिया विरोध प्रदर्शन, इतना ही नहीं मां काल के दर्शन के बिना ही वापस लौटे रणबीर और रालिया। मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा उपहार में दिया, इस दौरान राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा मंगोलिया में हमारे खास दोस्तों की ओर से एक खास तोहफा, इस शानदार खूबसूरती का नाम मैंने तेजस रखा है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने पद ग्रहण के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की फोन पर बात, कहा ब्रिटेन पहले की तरह ही यूक्रेन को पूर्ण समर्थन देता रहेगा, इस दौरान उन्होंने युद्ध में यूक्रेन की बहादुरी की भी प्रशंसा की। ब्रिटेन में गृहमंत्री बनी भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन, पीएम लिज ट्रस ने जताया भरोसा, चुनावों में लिज ट्रस का किया था समर्थन। कोटा यूआईटी के सचिव की कार और कुर्सी कुर्क, भूखंड आवंटन के मामले में नहीं की थी कोर्ट के आदेश का पालना, सिविल कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के अजमेर दौरे की तैयारी तेज, फाइनल रिहर्सल कर देखी गई व्यवस्थाएं, अजमेर में दरगाह में जियारत करेंगी शेख हसीना।
श्रीगंगानगर में हेरोइन तस्करी में लिप्त एक और तस्कर गिरफ्तार, धरा गया। तस्करी का मास्टरमाइंड नरेंद्र पाल सिंगार तस्करों को धर चुकी है पुलिस। अजमेर के पिसांगर में जल छूलनी एकादशी पर आज धार्मिक कार्यक्रम में मधुमक्खियों ने किया हमला। मधुमक्खियों के हमले से 33 लोग घायल, सभी घायलों को पहुंचाया गया सीएचसी। एसडीएम प्रियंका बड़गुजर ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का जाना हाल। सवाईमाधोपुर में ट्रक यूनियन और बस यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की। कोटा के इटावा में आयोजित 7 दिवसीय वीर तेजाजी मेले में सांस्कृतिक संध्या का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में आए कलाकारों ने बांधा समा, पुलिस जाब्ता व्यवस्थाओं को संभालता दिखाई दिया। कोटा में पुलिस की स्पेशल टीम ने जो 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, उनके कब्जे से देशी पिस्टल और छुरी बरामद की। पुलिस की बदमाशों से पूछताछ जारी। उदयपुर में गायों में बढ़ रहे लंपी रोग को लेकर कलेक्टर ताराचंद मीणा आइसोलेशन सेंटर का अवलोकन करने पहुंचे। पीड़ित गायों और उनको दिए जा रहे उपचार की जानकारी ली, साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोटा की मंडाना थाना पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया, उसके कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। एनटीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर आरोपी से पुलिस की पूछताछ जारी है। सीकर के फतेहपुर में गणेश मूर्ति पूजन में महाआरती का हुआ आयोजन, जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। 56 भोग लगाकर 108 बत्तियों से की गई महाआरती, इस दौरान कलाकारों का सम्मान भी किया गया। नागौर के जाल में जल चूलनी एकादशी पर 8 प्रमुख मंदिरों से गाजे बाजे के साथ ठाकुर जी की रेवाड़ी निकाली, सैकड़ों की संख्या में भक्तगण रहे मौजूद। शांति व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन रहा तैनात। सवाईमाधोपुर की बौली में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस की कार्रवाई, 6 से ज्यादा डंपर ट्रेलर ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, आईजी के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने की कार्रवाई। झालावाड़ के सरकारी अस्पतालों में दूसरे राज्य के मरीजों को नहीं मिलेगा निःशुल्क इलाज, इलाज के लिए मरीजों को देने होंगे पैसे, एसआरजी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर संजय पोरवाल ने दी जानकारी। 12 से 4 दिन पहले लापता हुए 2 मासूम सगे भाइयों का मामला, कोटा रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने दोनों भाइयों को किया दस्तयाब। दोनों बच्चों को काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण समिति भेजा गया, साथ ही मामले को लेकर परिजनों को भी सूचित किया गया। 12 के लक्ष्मीपुरा गांव में आबकारी विभाग और पुलिस ने दबिश देकर 40 लीटर अवैध हथकर शराब बरामद की गई। 8,500 लीटर वाश मौके पर नष्ट की गई। कार्रवाई जिला आबकारी अधिकारी तपेश जैन और पुलिस उपाधीक्षक पूजा नागर के निर्देशन में हुई। झालावाड़ के अकलेरा में कक्षा 9 से 12 तक का स्टाफ न होने के कारण ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन। स्कूल में रिक्त पद पर टीचर लगाने की मांग की गई, चेतावनी भी दी गई, प्रशासन ने नहीं सुनी तो हम स्कूल में लगाएंगे ताले। वहीं बृजमोहन मीणा समेत कई ग्रामीण रहे मौजूद। जोधपुर के देछू राजमार्ग और मेगा हाईवे पर आम रास्ते पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा दस्ता बैरंग लौटा, दस्ते को देख ग्रामीणों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। जाब्ते के अभाव में दस्ते को वापस लौटना पड़ा। प्रतापगढ़ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने का मामला, कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार प्रेमी युगल को अदालत में किया पेश, जहां से दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। पासवाड़ा पुलिस ने एक तरफा प्यार में भी वाइता की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपी को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी तक पहुंचे पुलिस, में डीएसटी टीम भेजकर आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने लॉडेड पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया आरोपी को, कोर्ट में किया पेश, उससे जेल भेजने के आदेश दिए। कोतवाली थाना अधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को किया था गिरफ्तार। नागौर की मेड़ता सिटी में जल छूलनी एकादशी पर बैंड बाजों के साथ निकाली शोभा यात्रा, ठाकुर जी रजत रेवाड़ी यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, तो वहीं धर्मीचंद सोनी समेत कई भक्त और श्रद्धालु मौजूद रहे। नागौर की मेड़ता सिटी में विराट जादूगर अपने जादू से शहरवासियों को समाज की सेवा के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहे हैं। जादूगर विभिन्न कर्तव्य का रक्तदान करने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कई संदेश भी दे रहे हैं। जोधपुर के कोड़ी भक्तासनी पंचायत में आयोजित गणेश महोत्सव के तहत प्रसादी का आयोजन किया गया, इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने मिलकर प्रसादी बनाई, भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। नागौर में करीब 1 लाख गोवंश लंपी स्किन डिजीज से प्रभावित, जिले में पशुपालन विभाग के कार्मिक बीमार पशुओं का कर रहे हैं उपचार, अब तक 35,000 गोवंश हुए रिकवर। लंपी वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए बड़े स्तर पर टीमें कर रही हैं काम। जैसलमेर के रामदेवरा में बेखौफ चोर, एक ही बस्से में चोरी की 4 वारदातें, घर में घुसकर आभूषण चुरा ले गए चोर। चोरी की वारदात के बाद इलाके के लोगों में भय का माहौल, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटे। सीकर के अजीतगढ़ में चोरों ने बनाया तेजाजी महाराज के मंदिर को निशाना, मंदिर से उठा ले गए भारी भरकम दान पात्र, ग्रामीणों ने बढ़ती चोरी पर जताया आक्रोश, मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया।
जयपुर के चौमू में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। जलदाय विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ग्रामीणों ने कई दिनों से घरों में पानी न आने का आरोप लगाया। चौमू के जोगियों मोहल्ले में विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग। आग की सूचना से स्थानीय लोगों में मची अफरा तफरी। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बूंदी के तारेड़ा में NH-52 पर गौवंश से टकराई अनियंत्रित कार। हादसे में कार सवार महिला गंभीर रूप से घायल, जिसका अस्पताल में इलाज जारी। बूंदी के तालेड़ा में खेत पर काम कर रही महिला की सांप के काटने से मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। बाड़मेर में दो बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत, जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्रतापगढ़ कलेक्टर के निर्देश पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल लाल सोनकर ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के अरनौत रोड पर दो बाइक्स की जोरदार भिड़ंत, घटना में बाइक सवार तीन युवक जख्मी हो गए। दो गंभीर घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामला दर्ज कर लिया गया है। चूरू के सरदार शहर की बहादुर सिंह कॉलोनी में बाइक सवार दो नकाबपोश युवकों ने दो बच्चों को उठाने का प्रयास किया। घटना के बाद कॉलोनी के लोगों में भय का माहौल। कॉलोनी वासी पुलिस थाने पहुंचे, परिवादी देकर थानाधिकारी से बच्चों की सुरक्षा की गुहार भी लगाई। जयपुर के शिवदासपुरा थाना इलाके में गहरे गंदे पानी के नाले में एक युवक गिर गया है। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। टीम ने क्रेन की सहायता से युवक को बाहर निकाला। अचेत अवस्था में होने के चलते युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाड़मेर के समदड़ी में APG अब्दुल कलाम की व्यक्तित्व विकास योजना के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जेठंत्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने बाजी मारी। आयोजन में जिलाधिकारी जेठमाल सिंह राठौर भी मौजूद रहे। बाड़मेर के समदड़ी में देवजूल ने एकादशी पर्व पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। ग्रामीणों ने ठाकुर जी महाराज की रिवाड़ी निकाली, जिसमें महिलाओं ने ढोल थाली की धुन पर कन्हैया के जयकारे लगाए। प्रतापगढ़ में 591 गायों में लंपी स्किन संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही संक्रमण का आंकड़ा 2627 तक पहुंचा, जबकि संक्रमित गौवंश के मौत का आंकड़ा 32 हो गया है। झालावाड़ में वन विभाग की टीम ने जेल में कोबरा का किया रेस्क्यू। करीब 6 फीट लंबा कोबरा सांप आने से जेल में हड़कंप। रेस्क्यू कर कोबरा को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। बारा में धूमधाम से हुआ गणेश प्रतिमा का विसर्जन। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तो जल्दी आना के लगे जयकारे। साथ ही नाचते गाते रंग गुलाल के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। राजसमंद में सैकड़ों लोगों ने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाई। इस दौरान SP और कलेक्टर से निष्पक्ष जांच कर राहत दिलाने की मांग की। बारा में हड़ौती का ख्यातनाम, डोल मेले का शुभारंभ। संतों ने फीता काटकर किया मेले का शुभारंभ। साथ ही 25 सितंबर को होगा डोल मेले का समापन। उदयपुर के सलुम्बर में बीच बाजार में दिनदहाड़े युवक ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बैग में पड़े 40,000 से ज्यादा की राशि भी पार कर ली गई। बाड़मेर के बालोतरा में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य गणपत बांछिया ने लंबे सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन और आवश्यक दवाइयों का वितरण किया। जवाबदेह यात्रा झालावाड़ पहुंची। नुक्कड़ नाटकों के जरिए से लोगों को संवैधानिक अधिकारों और आवश्यक जानकारी दी गई। उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के अवसर पर साइकिल रैली का आयोजन। कलेक्टर ताराचंद मीणा ने साइकिल चलाकर पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। कलेक्टर ने रैली में शामिल प्रतिभागियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। धौलपुर के सैंपऊ में महाविद्यालय भवन निर्माण के दौरान जमीन को लेकर बुजुर्ग ने हंगामा किया। ठेकेदार समेत पुलिस को आत्मदाह की चेतावनी दी। साथ ही प्रशासन से कार्रवाई करने की मांग रखी। अजमेर के प्यावर में राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभागार में ट्रैक सूट किट का वितरण किया गया। ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के दौरान ट्रैक सूट पहनकर शामिल होंगे। सीकर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने लक्ष्मणगढ़ का दौरा कर लंपी को लेकर व्यवस्थाओं को देखा। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। पशु चिकित्सालय और आइसोलेशन सेंटर का भी दौरा किया। आसिन की बरसनी गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लंबे समय से शिक्षकों की कमी चल रही है और अभी हाल ही में हुए स्थानांतरण में एक और पद खाली हो गया। दो चतुर्श्रेणी कर्मचारियों के पद भी खाली है। अध्यापक को स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ता है। अजमेर के ब्यावर में 3 दिवसीय तेजा मेले के समापन पर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। लोक कलाकारों ने लोकगीत और लोक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लोकगीतों का उठाया आनंद।
राजसमंद के रेलमगरा में ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सादड़ी के पशु कंपाउंडर दुर्गेश को निलंबित करने की मांग की। पुलिस थाने में दी रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग रखी गई। धौलपुर में पाइपलाइन बिछाने के काम के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। एक पखवाड़े में 500 मीटर पाइपलाइन भी नहीं बिछाई जा सकी। लेट लतीफी के चलते खोदे गड्ढे हादसे को न्योता दे रहे हैं, साथ ही सड़क तोड़ने से राहगीरों को परेशानी हो रही है। दरअसल सिरोही में आराध्य देव सारनेश्वर मेले में उमड़ी लोगों की भीड़। रेवाड़ी समाज के लोगों ने पारंपरिक पोशाक पहनकर मेले में भाग लिया। पुलिस प्रशासन के कड़े इंतजाम भी दिखे। कलेक्टर की ओर से एक दिवसीय अवकाश घोषित किया गया। बाड़मेर में जेएनयू छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद अरविंद सिंह भाटी पहली बार कल्याणपुर पहुंचे। अध्यक्ष समर्थकों ने फूलमाला पहनाकर भाटी का जोरदार स्वागत किया। धौलपुर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाहर से बाइक चुरा ले गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। बूंदी के कैश्वर राय पाटन में आंखों में मिर्ची डालकर बाइक सवार से लूट की वारदात का खुलासा हुआ। मेगा हाईवे पर लूट के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने लूट का माल भी बरामद कर लिया। हनुमानगढ़ में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गार्ग्या ने राजकीय मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की साइट का निरीक्षण किया। कलेक्टर नथमन डिटेल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। जालौर की रानीवाड़ा में महिला की करंट लगने से मौत। घटना की सूचना पाकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। एसडीएम प्रकाश चंद्र समेत थानाधिकारी जाब्ता मौजूद रहा। सवाईमाधोपुर में कलेक्ट्रेट रोड पर पड़ा मिला मृत पेंगोलिन। पेंगोलिन को देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृत पेंगोलिन को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। जैसलमेर के भणियानम में विवाहिता से मारपीट और दहेज मांगकर परेशान करने का मामला सामने आया। दहेज के रूप में 3 लाख रुपए मांगने का आरोप। इस दौरान पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के कुंचोली नया खेड़ा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल बारिश के पानी से तालाब बन गया है। जलभराव और कीचड़ से बच्चे परेशान हैं। हनुमानगढ़ के भादरा नगर पालिका में मनोनीत पार्षदों को एसडीएम शकुंतला चौधरी ने पद की शपथ दिलाई। अधिशासी अधिकारी पवन चौधरी ने कहा कि अब नगर पालिका में विकास के कार्यों को और ज्यादा गति मिलेगी। नागौर के लाडनू में तहसीलदार और कार्यवाहक ईओ ने सफाई कर्मचारियों और जमादारों की मीटिंग ली। सभी जमादारों को आदेश दिया कि शहर में सफाई के प्रति उदासीनता न दिखाए, मन लगाकर काम करें। सुमेरपुर के खिवादी गांव में 55 साल के बाद तालाब पूजन कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सर समाज की करीब कुल 1300 महिलाओं ने एक साथ तालाब पूजन किया। दौसा के मैनीपुर बालाजी के उदयपुरा में जल झूलने का आदेशी पर ठाकुर जी की शोभा यात्रा निकाली गई। पालकी में विराजमान होकर बैंडबाजी के साथ जल विहार निकाले गए। धौलपुर में जल झूलने एकादशी के अवसर पर कई मंदिरों में ठाकुर जी नौका विहार और नगर भ्रमण पर निकले हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए भक्तों की भी भीड़ काफी संख्या में नजर आई। भीलवाड़ा में कोठरी के गोली राजकीय विद्यालय में शिक्षक के तबादलों के बाद एक सप्ताह में दूसरी बार ग्रामीण सड़क पर उतर आए छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों के साथ विद्यालय पर ताला लगा दिया। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट के 45वें जन्मदिवस पर लाडू में ब्लड बैंक में पार्षदों ने रक्तदान किया। पार्षद श्याम सुंदर गुर्जर ने बताया कि शिविर में सभी कांग्रेस के पार्षद और स्थानीय ठेकेदारों ने भाग लिया। राजसमंद के देवगढ़ पुलिस थाना परिसर के सामने होटल पर गैस की पाइप लीक होने से आग लग गई, जिसमें हलवाई झुलस गया। हादसा देखकर वहां मौजूद लोग डर के मारे भाग गए। खुद हलवाई ने ही सूझबूझ दिखाते हुए गैस की टंकी से रेगुलेटर बंद किया। अजमेर के ब्यावर में शिक्षक नेता अमीन खान कायम खानी की बर्खास्तगी पर रोष जताया गया, साथ ही बजट भाषण में की गई घोषणा को लागू करवाने की मांग की। इसे लेकर एसडीएम राहुल जैन को ज्ञापन सौंपा गया। अजमेर के ब्यावर में सचिन पायलट का 45वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्ष सोहन मिवाड़ा और जिला अध्यक्ष विक्रम सोनी के सानिध्य में यह कार्यक्रम हुआ। नागौर के कुचामन सिटी में जल झूलने एकादशी पर ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकली। कई जगह मंदिरों में ठाकुर जी को जल विहार कराया गया। भरतपुर में सैनिक समाज की ओर से 12 सितंबर को रेलवे ट्रक रोकने का आह्वान किया। संभागीय आयुक्त कार्यालय में सैनिक समाज के प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रशासन की वार्ता भी हुई। कोटा के टावा के मरजाना में देव विमान निकालते समय हादसा। देव विमान के ध्वज की लोहे की पाइप बिजली लाइन को छू गई। करंट से एक युवक की मौके पर ही मौत, वहीं एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोर्डी नाड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन। स्टेट अवार्ड से सम्मानित हुए ठाकरा राम चौधरी का सम्मान किया। भीलवाड़ा शहर की बदहाल सड़कों को लेकर स्थायी लोक अदालत की टीम ने सड़कों का निरीक्षण किया। करीब आधा दर्जन कॉलोनी में जायजा लिया गया।
बाड़मेर के संदड़ी स्टेशन से जसोल माजीसा दर्शन के लिए 51 सदस्य संघ रवाना हुआ। सुबह माजीसा की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की जाएगी।